क्या दूसरे राज्य में जॉब करना गुनाह है? आखिर क्या है डोमिसाइल पॉलिसी? बंगाल वर्सेस विवाद में क्यों हो रही चर्चा? हाल ही में पश्चिम बंगाल में कुछ बिहारी लड़कों के साथ मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिखाई दिया। भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों की पिटाई को लेकर बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर है। वहीं टीएमसी इस पिटाई के मामले को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर बंगाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। रजत का दावा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग नकली सर्टिफिकेट लेकर एसएससी परीक्षा देने आते हैं और बंगालियों की नौकरी छीन लेते हैं। बांग्ला पक्खों के महासचिव गार्गो चटर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में एक रैकेट काम कर रहा है जो कि युवकों को फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना कर देता है, जिससे बाहरी लोग राज्य में नौकरी कर सकें। अब इस मामले को सुनने और समझने के बाद आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर ये कौन सा फर्जीवाड़ा है और इन बिहारी लड़कों की क्या सचमुच कोई गलती थी तो क्या? फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार की डोमिसाइल नीति की मांग एक बार फिर तेज हो गई। बिहार में लंबे वक्त से ये बड़ा मुद्दा बना है। दावा है कि डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण बिहार के युवाओं को राज्य में नौकरी नहीं मिल पाती और उन्हें पलायन करना पड़ता है। दरअसल कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इस नीति के तहत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में वहां के मूल निवासियों को तवज्जो दी जाती है। पहले बिहार में ये नीति थी, लेकिन इसे खत्म किया जा चुका है। बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। इसके बाद शिक्षक भर्ती में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती थी। हालांकि जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया। इसके बाद अब फिर वहां दूसरे राज्यों के लोग आवेदन कर पाते हैं और नौकरी कर पाते हैं। सरकार ने तर्क दिया कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। उस समय बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म, जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी किया, लेकिन 2.5 साल में ही इसे खत्म कर दिया। लेकिन अब ये नीतीश सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने लगा है। हाल ही में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में डोमिसाइल पॉलिसी का मुद्दा उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पलायन रोकने और बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी, डोमिसाइल नीति जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको डोमिसाइल नीति का मतलब समझ आ गया होगा और बंगाल का विवाद भी आप समझ पा रहे होंगे।